स्टूडेंट्स, आज की हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो होगी वो एल्डोल कंडेंसेशन है। तो उस यूनिट फर्स्ट के अंदर कुछ नेम रिएक्शंस रह गई हैं, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन है कुछ, एक माइकल एडिशन रिएक्शन मैन, तो अधिकांश रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो आज एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे और ये वेल नोन रिएक्शन है। इससे पहले भी हमने ये रिएक्शन कई बार पढ़ी होगी। ये रिएक्शंस 12th में BSc के अंदर, MSc फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में भी आपसे कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्कस किया होगा। तो एल्डोल एक वेल नियर रिएक्शन है। एल्डोल एक प्रोडक्ट का नेम है जो इसमें बनेगा, उसके बेसिस पर रिएक्शन है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन से, तो कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल जो होंगे, दो कंपाउंड जो होंगे, वो कंडेंस्ड होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इनिशियल प्रोडक्ट अलग होता है, उसमें डिहाइड्रेशन होकर जो बनेगा प्रोडक्ट वो अलग होता है। तो अब एल्डोल रिएक्शन होती क्या है, इसमें रिएक्टेंट क्या है, बनने वाला प्रोडक्ट क्या है और इसकी रिएक्शन कंडीशन क्या है, ये तीन चीज़ें हमें फोकस करना है और उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एल्डोल रिएक्शन, ये रिएक्शन दो कार्बोनल कंपाउंड के बीच में होती है। ध्यान देना, रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, कार्बोनल कंपाउंड होंगे, हो सकता है दोनों एल्डिहाइड हो, या हो सकता है दोनों कीटोन हो, या हो सकता है एक एल्डिहाइड या दूसरा कीटोन हो सकता है। तो पहला रिएक्टेंट क्या हुआ है, दो कार्बोनल कंपाउंड होते हैं। रिएक्शन एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हो सकती है। तो इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, तो एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे और बेस कैटालाइज रिएक्शन भी पढ़ेंगे। दोनों में बनने वाला प्रोडक्ट सब सेम होगा, चाहो तो आप एसिडिक कंडीशन ले लो या चाहे तो आप बेसिक कंडीशन में भी रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। अब बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, इनिशियल क्या होगा और डिहाइड्रेशन आफ्टर डिहाइड्रेशन क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं यहाँ एक बार इसका जनरल डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। इट इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ टू कार्बोनाइल कंपाउंड दो कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकता है, अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रही है तो एक ही कंपाउंड के अंदर दो कार्बोनाइल ग्रुप होने चाहिए उसमें, तो या दो डिफरेंट हो कार्बोनाइल कंपाउंड दो अलग अलग हो, या एक ही कंपाउंड में दो कार्बोनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा। इट इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ टू कार्बोनाइल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। तो दोनों के कंडेंसेशन से बनने वाला इनिशियल प्रोडक्ट क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड बनता है, और जब इसको फर्दर हीट करेंगे इस कंपाउंड को, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा और बनने वाला आपका प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। तो ये तो ही रिएक्शंस जनरल डिस्क्रिप्शन हुआ, एक रिएक्शन का एग्जांपल ले लें ताकि हमें रिएक्शन समझ में आ जाए और उसके बेसिस पे उसकी मैकेनिज्म और एक दो एग्जांपल और हम डिस्कस कर लेंगे ताकि रिएक्शंस की प्रैक्टिस हो जाए कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है। तो यहाँ एक रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, दो सेम एल्डिहाइड ले रहा हूँ। हाँ, एल्डोल रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये सिंपल एल्डोल भी हो सकता है और क्रॉस एल्डोल भी। सिंपल एल्डोल का मतलब क्या हुआ, ये सेल्फ कंडेंसेशन है, मतलब बिटवीन सेम कार्बोनल कंपाउंड। ऐसी एल्डोल रिएक्शन जिसमें दोनों कार्बोनल कंपाउंड जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सेम है, मतलब एक ही कार्बोनल कंपाउंड अपन ले रहे हैं,
और वो अपने ही मॉलिक्यूल के साथ में कंडेंस होकर के प्रोडक्ट बना रहा है, सिंपल या सेल्फ कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन हो गया। और क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स, दो डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन के बीच में रिएक्शन हो सकती है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हम पढ़ेंगे क्योंकि यह मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस एल्डोल की जब बात करेंगे। इसके लिए कंडीशन ज़रूरी होती है। कंडीशन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन या जो कार्बोनिल कंपाउंड हम ले रहे हैं, इसकी जो मेन कंडीशन है ध्यान रखना, उनमें किसी ना किसी एक एल्डिहाइड या एक कीटोन के पास में, दोनों में से कोई एक के पास, दोनों में भी हो सकता है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो ही एल्डोल रिएक्शन हो पाएगी, वरना एल्डोल रिएक्शन आपकी परफॉर्म नहीं होगी। तो कंडीशन क्या है इसकी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कार्बोनिल कंपाउंड हैं उनमें से कम किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, ये इसकी कंडीशन है। तो सिंपल हो गया, क्रॉस हो गया, दो डिफरेंट के बीच में इनको डिटेल से पढ़ेंगे अपन और एग्जांपल भी लेंगे। तो एक मैं रिएक्शन यहाँ पर मैकेनिज्म समझाने के लिए स्टैंडर्ड रिएक्शन अपन ले रहे हैं, जिसमें सिंपल सा मैंने क्या ले लिया आपका एसिटाल्डिहाइड, चाहो तो इसको अपन दो मॉलिक्यूल लिख के भी कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग करके, रिएक्शन मीडियम एसिडिक हो सकता है और बेसिक हो सकता है, बनने वाला आपका प्रोडक्ट होगा इस प्रोडक्ट को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ध्यान देना, एल्डिहाइड ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब फर्दर इसमें क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन अगर कराएं, हीटिंग कंडीशन अप्लाई करें तो डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा, इस कार्बन से एच, यहाँ से OH, तो यहाँ अल्फा और बीटा वाले पोजीशन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बनने वाला आपका प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा हो गया, अल्फा बीटा पर अनसेचुरेशन, डबल मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, ये बना आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई है, जिसमें इनिशियल प्रोडक्ट आपका क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हीटिंग कंडीशन अप्लाई करो तो क्या बनेगा, इसके अंदर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे माइकल एडिशन, उस माइकल एडिशन का स्टार्टिंग, जैसे यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, उस माइकल एडिशन का स्टार्टिंग मटेरियल आपका क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मोइटी। वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड मोइटी कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में हो सकती है, नाइट्रो के रेस्पेक्ट में हो सकती है, साइनो के रेस्पेक्ट में हो सकती है, जनरली कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे उसको। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड माइकल एडिशन का रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल होता है, यहाँ से वो रिएक्शन स्टार्ट होती है फर्दर, जिसमें 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी मैकेनिज्म, अब इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, रिएक्शन हुई, जनरल रिएक्शन का एग्जांपल ले लिया। अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं आपस में कंडेंस होकर के ये प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं, ध्यान देना, एक बार मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये वाला पार्ट एक एल्डिहाइड का होगा, ये वाला पार्ट दूसरे एल्डिहाइड का होगा, इसका मतलब ये तो CH3 था, यहाँ किस फॉर्म में जुड़ रहा है, CH2 के फॉर्म में। तो उसकी पहले मैं ले रहा हूँ बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म, क्योंकि रिएक्शन एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होती है, तो हम एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में इस रिएक्शन को मैकेनिज्म को समझेंगे। तो यहाँ हम कर रहे हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो कोई भी बेस ले रहे हैं तो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन जो जस्ट कार्बोनिल कंपाउंड के पास वाला है वो एक्टिवेट होता है, एक्टिव मतलब एसिडिक नेचर का होता है, तो कोई बेस जो अपन ले रहे हैं वो बेस उस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और वहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल या एनायन जनरेट करेगा
और जैसे यहाँ पर इस CH3 को मैं लिख रहा हूँ CH2H की फॉर्म में, ये आपका CHO हो गया। कंडीशन आपकी बेसिक ले रहे हैं, OH माइनस मैंने ले लिया यहाँ पर। तो ये बेस क्या करेगा, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से अपसेट कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर, इस CH2 पे माइनस चार्ज आएगा, क्या बना CH2 माइनस, और ये एल्डिहाइड आपका इस तरह से लिखते हैं, इसमें रेजोनेंस होगा, इस तरह से बॉन्ड की शिफ्टिंग हो सकती है, और बनने वाला नया मोइटी क्या होगा, ये वाले इसे क्या कहते हैं इनोलेट। ध्यान देना, अगर यहाँ H और जुड़ा होता ऑक्सीजन से, OH होता, डबल बॉन्ड से OH जुड़ा, इनोल कहते हैं, ये नेगेटिव फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ये इनोलेट बना। तो इनोलेट केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, आप एल्डोल या अल्फा एच एब्सेट कर रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड से, तब जाकर आपका क्या बनता है, इनोलेट बनता है। और ये इनोलेट अपने दूसरे मोलिक्यूल, दूसरा एक और एल्डिहाइड रह गए, एक के लिए अपन ने एक दूसरा मोलिक्यूल, अब ये इनोलेट अपने दूसरे मोलिक्यूल, दूसरे एल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक कार्बन पर अटैक करता है। तो यहाँ फर्स्ट मोलिक्यूल मैंने ये ले लिया, ये फर्स्ट मोलिक्यूल है, अब मैं सेकेंड मोलिक्यूल ले रहा हूँ, वही CHO, ये सेकेंड मोलिक्यूल ले रहा हूँ, दो मोलिक्यूल लिए थे अपन ने। ये जो इनोलेट बना, वो इनोलेट सेकेंड मोलिक्यूल पर अटैक कर, चाहो तो डायरेक्ट CH2 माइनस के फॉर्म में अटैक करवा दो, या इनोलेट के फॉर्म में आप अटैक करा सकते हैं। ये नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये सीधा इस पर अटैक करेगा, आप चाहो तो यहाँ माइनस शो कर दो CH2 माइनस, वो CH2 माइनस सीधा अटैक करा के दिखा सकते हो उस पर। तो ये O माइनस बना, H प्लस नहीं, रिएक्शन बेसिक मीडियम में करा रहे हैं, तो लास्ट में जब रिएक्शन को वर्कअप करते हैं, या वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन के अंदर होता है, उस वाटर मॉलिक्यूल से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या लास्ट में जब रिएक्शन को वर्कअप करते हैं, तो एसिडिक बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, और आपका प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी बन जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये CH हो गया, ये नीचे OH में कन्वर्ट हो गया, और आपका CH2 यहाँ डायरेक्ट जुड़ा, और ये CHO आपका एज इट इज। तो आपका क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, इसमें डिहाइड्रेशन करा सकते हैं, यहाँ से H और OH डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हीटिंग कंडीशन अगर आपको दे रखी है। तो ये थी आपकी बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। अब बात करते हैं एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म की, कि बेस की प्रेजेंस में तो रिएक्शन समझ में आ गई कि यहाँ अल्फा एच एब्स्ट्रैक्ट हुआ और रिएक्शन इनोलेट के थ्रू प्रोसीड हो रही। ध्यान देना, यहाँ रिएक्शन इनोलेट के प्रति शो कर रहे हैं, वहाँ इनोलेट के प्रति नहीं, वहाँ इनोलेट ना करके इनोल आएगा। जैसे एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम, जैसे मैं इसी रिएक्शन में समझा रहा हूँ, इस बार क्या कर रहे हैं, एसिडिक कैटलाइज रिएक्शन मैकेनिज्म चेक कर रहे हैं, इसमें एच प्लस। तो ये एच प्लस क्या करेगा, जो एल्डिहाइड होता है, उस एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, ये बना इस तरह से। अब बॉन्ड की शिफ्टिंग अगर देखें हम यहां पर, ये बना, तो इनोलेट ना बोल करके इसे, नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा ऑक्सीजन पर, तो क्या बोलेंगे इसको, इनोल। तो अब इनोल की फॉर्म में रिएक्शन को अपन को प्रोसीड कराना है, वही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ काम आ रहा है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ इनोलेट अटैक करा रहे थे, अब इस बार यहाँ क्या इसका अटैक करा देंगे अपन, इनोल फॉर्म का अटैक करा देंगे, सीधा अटैक हुआ, और आपका बनने वाला प्रोडक्ट आपका यही होगा। यहाँ से ये H प्लस हट जाएगा, माइनस H प्लस, और ये क्या बन जाएगा आपका, C डबल बॉन्ड O H CHO बन जाएगा। तो क्या बना, CH3COH, H जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ा, CH2CHO, आपका प्रोडक्ट क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। तो ये तो दोनों आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म हुई, एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो जो एग्जांपल लिया मैंने सेल्फ का लिया,
मतलब दोनों मॉलिक्यूल सेम ही थे, लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट आ जाएं, जैसे यहाँ एक तो मैंने ले लिया और दूसरा यहाँ ले रहा हूँ मैं, दो मॉलिक्यूल हैं, क्या दोनों एल्डिहाइड सेम है? नहीं है, दोनों एल्डिहाइड यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसमें होने वाली जो रिएक्शंस होगी वो किस तरह से होगी? कंडीशन आपको दे दी, आपको रिएक्शन पर कैसे पहचानेंगे? बेसिक मीडियम है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास भी है। अब ध्यान देना, रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन ने देखा था जो एल्डिहाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें एक एल्डिहाइड का इनोलेट बनेगा और वो इनोलेट दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करता है, यही होता है। अब यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने? दो, इसका भी इनोलेट बनेगा, इसका भी इनोलेट बनेगा, इसका इनोलेट इस पर अटैक कर सकता है एल्डिहाइड पे, और इसका इनोलेट इस एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है। कितने प्रोडक्ट बने? दो। अब यहाँ दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, दो और बनने की पॉसिबिलिटी, ये तो क्रॉस बताया मैंने कि एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है इनोलेट, इसका इनोलेट इस एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है। ध्यान देना, एक और पॉसिबिलिटी है कि इसका इनोलेट इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देगा, सेल्फ कंडेंसेशन। इसका इनोलेट इस पर तो अटैक करेगा, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर भी अटैक करेगा। इस तरह से कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी? फोर, चार प्रोडक्ट बनते हैं अगर हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कराते हैं और दोनों एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो चार प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। उसमें प्रोडक्ट बनेंगे अपने, चार प्रोडक्ट बनते हैं। और अगर किसी एक कंपाउंड के अंदर हमने अल्फा हाइड्रोजन नहीं लिया, मान लो एक मोइटी के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है इसमें नहीं है, तो दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है? क्रॉस एल्डोल में, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, चार प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें अपना डिजायर प्रोडक्ट क्या होगा, हम क्या चाह रहे हैं, क्यों रिएक्शन करा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, अभी जो एग्जांपल लिया था उससे चार प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे मैं बना रहा हूँ, मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं मैकेनिज्म पे फोकस नहीं करूँगा, बेसिक मीडियम ले लेते हैं, प्रोडक्ट सेम बनेंगे। अब ध्यान देना, इस रिएक्शन में यही बता रहा हूँ मैं, इसका न्यूक्लियोफाइल या इसका इनोलेट क्या बनेगा? CH2CHO ये बनेगा। अब इसका इनोलेट तो ये बन गया, इसका इनोलेट अपने दूसरे मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है, एक प्रोडक्ट तो वो बना। इसका इनोलेट इस एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है, कितने प्रोडक्ट बने? दो। तो ये इनोलेट कितने प्रोडक्ट बना रहा है? दो, एक तो अपने मॉलिक्यूल पे अटैक करके, एक दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करके, क्योंकि इनोलेट कहाँ अटैक करेगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप पे। अब बात करते हैं इसकी, इसका इनोलेट क्या बनेगा? इसका अल्फा हाइड्रोजन ये अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस आएगा, CH3CH-CHO, ये इसका इनोलेट बना। तो इसका जो इनोलेट बना है, न्यूक्लियोफाइल बना है, ये अपने ही मॉलिक्यूल के एल्डिहाइड पे अटैक कर सकता है या दूसरे एल्डिहाइड के एल्डिहाइडिक ग्रुप पे, कार्बनल ग्रुप पे अटैक कर सकता है। तो इससे भी कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी? दो। और इससे भी कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है? दो, चार प्रोडक्ट। और चार प्रोडक्ट क्या बनेंगे बना रहा हूँ? पहला प्रोडक्ट इन दोनों से जो बनेगा, तो प्रोडक्ट मैं फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ बना रहा हूँ, तो क्या बना? ध्यान देना, ये CH3 है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इनोलेट का जो CH2 अटैक कर रहा है एल्डिहाइड पर, मैकेनिज्म देखना, वो OH में कन्वर्ट होता है। तो क्या आ गया आपका? CH3, ये आ गया आपका CHOH, और ये आपका CH2CHO, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट, ये इनोलेट हो सकता है इस एल्डिहाइड पे अटैक करे, ध्यान देना, ये तो है। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा इस इनोलेट का, इस वाले एल्डिहाइड पे अटैक करने से, तो ये इनोलेट एज इट इज रहेगा, ये एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बना? CH3CH2CHOH में कन्वर्ट हो गया, और इससे क्या जुड़ जाएगा? ये CH2CHO। और तीसरा, ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल से बनने वाले दोनों हो गए, पहला फर्स्ट नंबर लिखा मतलब इसके अटैक करने से बना, दूसरा इसके इधर अटैक करने से बना, और तीसरा बन रहा है इसके इस कार्बोनल पे अटैक करने से, ये भी सेल्फ हो गया, ये इनोलेट अपने ही एल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है। तो ध्यान देना, ये तो एज इट इज रहेगा, और
ये वाला एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान देना, ये CH3HDH लिख रहा हूँ, CH3CH2 वो एल्डिहाइड है, वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म देखते रहना, ध्यान देना, यहाँ कौन अटैक करा है, CH, तो इस कार्बन से CH ही जुड़ेगा, और इस CH से एक तरफ CHO जुड़ा है, दूसरी तरफ CH3, इधर CHO जुड़ा है और दूसरी तरफ CH3, तो एक प्रोडक्ट आपका ये बना। और लास्ट प्रोडक्ट ये वाला किस पर अटैक करेगा, इस एल्डिहाइड पे करेगा अटैक, और इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ये आपका फोर्थ प्रोडक्ट होगा। तो ध्यान देना, CH3CH एल्डिहाइड ये वाला जिस पर अटैक हो रहा है, वो एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो CH3CH ऊपर आ जाएगा OH, और यहाँ ये CH आ गया क्योंकि CH अटैक कर रहा है, इधर CH3 और दूसरी तरफ CHO, ये आपका ये चार प्रोडक्ट आपके बने हैं क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ आप इजीली बना सकते हैं, चारों प्रोडक्ट देखना डिफरेंट हैं, और सारे के सारे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बनल कंपाउंड, देखना हर में बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सभी में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन चारों डिफरेंट हैं। अब हमें क्या कौन सा बनाना है, डिजायर्ड कौन सा, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर दोनों ही एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो चार प्रोडक्ट बनेंगे, अगर एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मान लेते बेंजल्डिहाइड ले लिया, तो बेंजल्डिहाइड के अंदर तो बेंजीन पे CHO, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सिर्फ दो ही बनेंगे, एक तो इसका सेल्फ बनेगा, दूसरा बेंजल्डिहाइड पे अटैक करने से दो बनेंगे। तो ये था आपका क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। अब आपको एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हुआ कि एक ही कंपाउंड आपका और इसमें दो कार्बनल कंपाउंड, दो कार्बनल ग्रुप है, और उन दोनों के सेल्फ कंडेंसेशन से एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है इंट्रामोलिकुलर के अंदर। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना, बेसिक कंडीशन आपको ले लिए, एक ही मोलिक्यूल है, डिफरेंट नहीं है, लेकिन दो कार्बनल ग्रुप है। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन दो प्रकार के, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों, ये वाला अल्फा सेम है, ये अल्फा सेम, लेकिन ये दोनों अल्फा सेम नहीं है, ये CH2 है, इधर CH2 जुड़ा है, ये CH3 है। तो अब देखना इन दोनों अल्फा में से ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। यहाँ CH2 के पास में CH2 है, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, प्लस इसकी एसिडिटी कम होगी, ये मोर एसिडिक होगा, और मोर एसिडिक अगर ये होगा तो ये बेस इस H+ को पहले निकालेगा, तो यहाँ इसका न्यूक्लियोफाइल बन, इसका बनाओ या इसका बनाओ, बनने वाला प्रोडक्ट सेम है क्योंकि सिमेट्रिक होगा एक तरह से देखे तो। तो यहाँ इसे मैं लिख रहा हूँ CH3, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकला, न्यूक्लियोफाइल बना आपका, क्या बनेगा, CH2-, और ये न्यूक्लियोफाइल या इनोलेट किस पर अटैक करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में। देखना कितने मेंबर रिंग बनी, 1, 2, 3, 4, और CH2 और जुड़ जाएगा, 6 मेंबर रिंग बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर। तो क्या 6 मेंबर को अपन सिस्टमेटिक यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो एल्डिहाइड कीटोन है, इस कीटोन को मैं यहाँ एज इट इज बना रहा हूँ। अब इस कीटोन के जस्ट पास में यहाँ CH2 है, ये CH2 किससे जुड़ा, एल्कोहल वाले कार्बन से, यहाँ एल्कोहल वाला कार्बन हो गया, और इस एल्कोहल वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, CH3। फिर देखना CH2, 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 तीन CH2 आ रहे हैं, CH2, 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 इस तरह से आप क्रॉस चेक कर लेने, कहीं गलत नहीं बना दिया, कार्बन ज़्यादा या कम हो जाता कई बार। अब इसका डिहाइड्रेशन करा देते हैं, वाटर मोलिक्यूल बाहर, क्या जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, बनने वाले स्पीसीज आपके साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है, ये प्रोडक्ट बना। तो ये हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। एक एग्जांपल आपको मैं खुद सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप प्रोडक्ट बनाना कि क्या प्रोडक्ट बनता है, मुझे ज़रूर बताना। CH3CHO, तो यहाँ आपको रिएक्शन दी जा रही है, तो इसमें आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा, हिंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन जो हमारे रही है वो अपन पढ़ेंगे।